शिक्षा के मंदिर में कक्षा 4 के छात्र का कैंची से चोटी काटने पर प्रधानाध्यापक व कक्षा अध्यापक पर मुकदमा दर्ज। यूपी के बलिया जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर रसा नगरा मार्ग के राघोपुर रसा में स्थित सेंट मैरिज स्कूल में 2 मई को प्रधानाध्यापक व कक्षा अध्यापक द्वारा एक हिंदू छात्र के बाल की चोटी को कैंची से काटने के मामले में पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर हिंदू संगठनों का स्कूल के प्रति सनातन विरोधी कार्य करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए रसा पुलिस ने शनिवार की देर रात प्रधानाध्यापक व कक्षा अध्यापक व नाम पता अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की कार्रवाई तेज कर दी है। रसा नगर के बनियावान निवासी पीड़ित कक्षा 4 के छात्र के पिता विवेकानंद सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 2 मई 2024 को मेरा पुत्र प्रभाकर सिंह विद्यालय गया हुआ था। इस बीच कक्षा अध्यापक द्वारा विद्यालय का कायदा कानून बताते हुए मेरे पुत्र की चोटी को कैंची से काट दिया गया। हिदायत दी गई कि टीका लगाकर भी यहां आना सख्त मना है। सूत्रों की माने तो चोटी काटने वाला अल्पसंख्यक समाज से शिक्षक आता है। घटना की जानकारी होने पर मेरी पत्नी विद्यालय पहुंची तो प्रधानाध्यापक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, साथ ही शिक्षा के मंदिर में घंटों बैठाया गया। इस घटना का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध कर विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले को तूल पकड़ते देख पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया, घटना की पूरी जानकारी ली। शुरुआती दौर में पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया, किंतु देर रात प्रधानाध्यापक व कक्षा अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। तेज आवाज में अपना एक नाम बताओ। प्रभाकर सिंह। अच्छा, सेंट मैरिज में पिछले दिनों क्या घटना घटी थी बेटा तुम्हारे साथ? बासुम कर क्या रहा था ना? हाँ। मैं बोली चुटकी रखी हो। हाँ। हिंदू मन रहे हो। हाँ। चलो अभी काट रही हूँ। तो फिर क्या हुआ? फिर बोली ना टीका लगा के आए हो। हाँ। सतत्य कुआरी मम्मी मैं देख लूंगी। हाँ। बोल दिया सबसे मंडे को आप तुमको बता रही हूँ। अच्छा, चुटकी कौन काटा तुम्हारा? साइंस साली मैम। अच्छा, उसके बाद जब मम्मी तुम्हारी गई तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर ऑफिस में लेके गए ना। हाँ। बोले मंडे को तुम बता देना सबको, मंडे को आप तुमको बता रही हूँ। अच्छा, तुमको धमकाया जा रहा था। हाँ। अच्छा, अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक नहीं है। चलो ठीक। तेज आवाज में पहले अपना एक परिचय बताएं। मेरा नाम पूजा सिंह है और मेरा बेटा प्रभाकर सिंह जो कि सेंट मैरी में क्लास 4 सेक्शन 3 में पढ़ता है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले दिनों जो है रसड़ा कोतवाली में एक तहरीर मिला था, क्या मामला हुआ था बच्चे के साथ आपके? मामला सर ये हुआ था ना कि 2 तारीख को मेरा बच्चा स्कूल गया, उस दिन वो घर आया तो मैंने एक उसका चुटिया रखा हुआ था और जिसको मैंने बांधा हुआ था, तो मैंने ऐसे सर पे हाथ फैलाया तो उसका चुटिया दिखा नहीं, तो मैंने ऐसे पूछा कि बेटा ये कहाँ गया, कैसे क्या हुआ? तो उसने कहा कि मम्मा मेरी मैम ने ऐसे ऐसे बोला था, उन्होंने कट किया। तो मैं सेकेंड डेज नहीं गई क्योंकि मेरे को लगा कि बच्चा है, पहले बच्चे की बात पर विश्वास कैसे किया जाए। तो फिर मैंने इसकी बात इसके मामा उमा से भी कराया तो सबसे वही बात बोल रहा था। तो मैं 3 तारीख को स्कूल नहीं गई हूँ, फिर 3 तारीख को स्कूल से आया है तो बोल रहा है कि मम्मा आज मैम बोली थी कि कल चुटिया काटी हूँ, आज तुम टीका लगा के आए हो, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, डांटी थी शायद। तो इसी चीज़ की वजह से मैं गई स्कूल कल 4 तारीख को, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने बताया फी काउंटर पे कि मुझे मैम से मिलना है इसी चीज़ से, तो उन्होंने बैठाया, पहले तो मुझे 1 घंटा बाहर ही बैठाया। 1 घंटे के बाद ये क्लास 4th की क्लास टीचर आई जिन्होंने पूछा क्या मामला है, तो मैंने ऐसे से बताया कि ये ऐसे ऐसी बात है और जिसकी वजह से मेरे को पता करना है कि आखिर स्कूल में हुआ क्या है, किस लिए कैसे मतलब। फिर उसके बाद वो गई, हम बैठे ही रहे, 1.5 घंटे के बाद मेरे बच्चे को लेकर 4 टीचर लोग आए जो कि सामने से नहीं चैनल गेट है, चैनल गेट के उस साइड से बच्चे को खड़ा किया गया था जिसमें 4 टीचर इसके साथ खड़ी थी। ये नहीं कि मतलब हाँ ऑफिस में जाएँ प्रिंसिपल के साथ बच्चे को टीचर को मेरे को बैठा के कोई बात किया जाए, वहाँ पे बच्चा मेरा डरा हुआ था उससे पूछा जा रहा था बोलो बोलो, ये कुछ बोल नहीं पाया, तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे को दे दीजिए मैं घर जाऊँ, हाफ डे था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बच्चा नहीं जाएगा, मैंने कहा नहीं बच्चे को दे दीजिए मैं मदर हूँ मैं लेके जाऊँ। देन मुझे फॉर्म भरना था ले जाने के लिए, तब मुझे प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया,
तो प्रिंसिपल के रूम में गई तो पता नहीं क्यों, ऐसे तो बहुत अच्छी हैं बट उस दिन उन्होंने इतना एग्रेसिव होकर मुझसे बात किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि किस वजह से आई हैं और क्या बात है। उन्होंने डायरेक्ट मुझ पे ऐसे ब्लेम किया कि आप इतनी एग्रेसिव हो रही हैं, सारी पेरेंट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं ये। तो मैंने कहा एग्रेसिव होने वाली बात नहीं, आप ही बताइए, मेरा बच्चा आया है और स्कूल में ऐसे ऐसे बात है तो हम तो आप ही से बात करने आएंगे ना। तो बोली, उन्होंने बस एक ही बात कहा कि मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करूँगी, डेट्स ओवर। तो मैंने कहा ठीक है, डेट्स ओवर तो ओवर, मैं घर पर चली आई। जैसा कि आपने बता रही हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार बच्चे का हाँ। जो है मुंडन संस्कार करना था, ऐसे में जो है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जो है इसको बालों को चढ़ावा मन्नत मांगी थी, तो ऐसे में कितना आहत हुआ है, कितना परेशान है आप? आप समझ सकते हैं हिंदू समुदाय में ये कितनी बड़ी मान्यताएं होती हैं। इस बच्चे का मेरा 13 साल पे चढ़ाना था, विंध्याचल में मुंडन करना था इनका बाल का, इसी की वजह से चुरकी रखा था, वो भी मैंने चुरकी बांध के रखा हुआ था कि स्कूल में कोई बच्चा चिढ़ाए ना। अब उसकी वजह से मुझे क्या ही अब कहना पड़े और क्या सुनना पड़े, आप खुद समझ सकते हैं। देखा जाए तो धरती हाँ। दो ही लोगों को जो है भगवान का दर्जा मिलता है, या तो एक डॉक्टर को मिलता है या तो एक शिक्षक को मिलता है। शिक्षक को इसलिए मिलता है कि बच्चे को मार्गदर्शन देता है, और डॉक्टर को इसलिए मिलता है कि जीवन दान देता है। तो ऐसे में शिक्षा के मंदिर में ऐसे भ्रष्ट शिक्षक जो है क्या करवाई ऊपर क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि इस चीज़ के तह तक तो जाया जाए। मान लीजिए अगर स्कूल में अगर बच्चे सेव नहीं रहे, उनके साथ धर्म के साथ ऐसे बातें होने लगे तो हमें नहीं लगता कि बच्चा कहीं भी पढ़ पाएगा और रह पाएगा। नहीं, बच्चे की भविष्य की बात है, और ऐसे में बच्चा जाता है विद्यालय शिक्षा के मंदिर में पढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, न कि जो है टीका और उसके लिए जो है धर्मांतरण की बात कहा जा रहा है। हमारे संविधान में अबाध्य स्वतंत्रता दी गई है हर धर्म के समुदाय के लोगों को जी। आप कोई भी धर्म के हो, अबाध्य आपकी स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी संविधान हमारे लोग के संविधान में दिया गया है, आप चुरकी रखिए, टीका लगाइए, बुरखा पहनिए, कहीं आपको रोक नहीं है कोई भी धर्म हो। मगर यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत बात है, अगर ये पहली बार भी हुआ है तो ये गलत बात है। आपके प्राइवेट सेक्टर स्कूल में हम लोग इसीलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छे तरह से जाए। आप एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए कॉल करती हैं, अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो देन आपको गार्जियन को कॉन्टेक्ट करना चाहिए था, बताना चाहिए था, फिर मैं नेक्स्ट डे देखते क्या करना है। मैंने आपकी बातों से गंभीरता से स्कूल प्रबंधक द्वारा लिया नहीं गया, और बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं लिया। बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी आप आहत हैं और कुछ करवाई चाहते हैं। भाई इस हमारे बच्चे के भविष्य की बात नहीं है ना, हजारे बच्चे आगे जाएंगे ना उस स्कूल में, आज मेरे बच्चे के साथ हो या कल किसी और के साथ हो जाए। तो बस मैं चाहती हूँ कि गंभीरता से लिया जाए और इस तक जाया जाए कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने क्या है। मैं बच्चे के बात पे विश्वास करके नहीं गई, मैं वहाँ पे इसीलिए गई कि मुझे बताया जाए कि स्कूल में क्या हुआ है बच्चे के साथ। हालांकि समाचार एटीट्यूड टीम जो है स्कूल के प्रबंधक से भी बात किया है, और ऐसे में जान इब्राहिम द्वारा कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जांच की जा रही है, और जांच के बाद जो है जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जरूर कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट।